नमस्कार, मैनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। ओंछा थाना क्षेत्र के गांव पड़रिया में राशन डीलर की दबंगई से परेशान होकर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। ग्रामीणों का आरोप है, तहसील गिरोर के गांव पड़रिया की राशन डीलर तारावती ग्रामीणों को राशन वितरित नहीं करती है और राशन की कालाबाजारी कर रही है। पिछले दिनों राशन डीलर के पुत्र मिट्टी के तेल कालाबाजारी के लिए ले जाते समय उप जिलाधिकारी गिरोर को पकड़वाया भी था, लेकिन उक्त संदर्भ में एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर कालाबाजारी में लिप्त राशन डीलर पर कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आप लोग आज कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या मामला है पूरा? राशन लेने गए थे, मुझे राशन दिया नहीं। क्या क्या दिया? लौटा दिया, यही ना खत्म हो गया। तेल बेचते ब्लैक में बेचते हैं तेल। ब्लैक में आप लोगों ने कभी पकड़ा उन्हें, देखा? कभी बेचते हुए पकड़ो है, तब तो आए। डीएम साहब के पास आप लोग गए अभी? उन्होंने क्या कहा? जा गई देखो, है ही ना राशन ना तेल कुछ ना मिलता ही ना, क्या कहते डीएम साहब ने कहा? साहब ने कहा वो एसडीएम के साथ गई थी, यहाँ पर लोगों के साथ गई, एसडीएम साहब ने कह दिया। एसडीएम साहब ने कहा है? अच्छा, एसडीएम साहब ने कहा। शकुंतला, आप आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट आए हैं, आप लोग पूरे सारी औरतें आई हैं गांव की, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला कि राशन नहीं मिलता किसी को, न तेल मिलता, और जब बच्चे ने भेजता है तो मार के भगा देते। मार के भगा देते हैं। कौन मारता है? उसका लड़का तारावती का। तारावती कौन है? तारावती डीलर। डीलर है। अच्छा, लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम बंटी। बंटी। एक तो आपने यहाँ आप कलेक्ट्रेट आए हैं, आपने किसी अधिकारी से शिकायत की, एसडीएम साहब से शिकायत की? शिकायत करने आई हूं, अभी तक आप लोग गई नहीं है? अभी नहीं गई। अच्छा, तो आप लोगों ने तो कुछ तेल भी वगैरह पकड़ा था? तेल पकड़ा। तो उसमें एसडीएम साहब मौके पे आए, तो उन्होंने कुछ कहा? मौके पे आए, पैसे ले ले, बस गोलमोल कर दिया। पैसे लेके गोलमोल कर दिया, और तेल पकड़ा गया, तेल नपा है, सब कुछ है। जी, आपका नाम? मैं गांव पड़रिया। आप आज यहां कलेक्ट्रेट पे आए हैं, क्या मामला है, क्या हुआ है? हमने एक तारीख 1/1/2019 को अपने गांव के राशन डीलर के पुत्र विलियम को मिट्टी का तेल सहित पकड़वाया था। मौके पर एसडीएम साहब उसको लेके गए थे थाने, और दो दिन तक थाने में बंद रखा। आज कल रात शाम को 11 बजे उसे छोड़ दिया है। इसके लिए हम डीएम साहब के पास आए, प्रार्थना करते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपके जो राशन डीलर के पुत्र हैं विलियम, वो ब्लैक में सामान बेचते हैं? ब्लैक में सब कुछ करते हैं। अच्छा। और 8-8 महीने हो जाते तो ब्लैक में आपने ब्लैक में आपने क्या क्या पकड़ा था? ब्लैक में हमने तेल पकड़ा था 50 लीटर। और वो कुछ भी था? और कुछ नहीं था।